I beg you, for the Pakistan Summit, Kolta Summit, tamam mommy, now sun lo, sun lo. Ye dharna ab tab tak chalega, jab tak hamare Wazir Azam saab, insaaf ki awaaz buland karne wale Imran Khan, apne naak ke niche bithaye hue, munafiq. Suniye, mujhe is jumle ki qeemat chukani padegi, mujhe is jumle ki khamiyaze bhugatne padenge, lekin hum maidan शेर है नवाज शरीफ। कल तक जो अरबों के बदबुओं के जूते चाट कर रियाल बटोरने वाले माँ तेरी माँ के नीचे बैठे हुए हैं, न जाने इन्होंने तुम्हें कौन सा आईना दिखा दिया। तू भूल गया, तूने इस कौम से वादा क्या किया था? तू भूल गया इमरान खान, हमारे वो अफराद जो लापता है, तू इन छह दिनों में हमें वो ना दे सका। तू हमें कह रहा है धरना खत्म कर ले, तू हमें कह रहा है अपने जनाजों को दफना दो, क्या गारंटी है आज हम 11 दफना के घर चले जाएं, कल वो लापता अफराद के लाशें इस कौम के खाइन हमारे घर के दहलीजों में छोड़ ना जाए। इमरान खान, हमारे लापता अफराद हमें चाहिए। आप इस मुल्क के रईस हैं, आप इस मुल्क के हाकिम हैं, हम तो आपके साथ खड़े थे। लेकिन इमरान खान बाहर के दुश्मन से वो लड़ सकता है जो अंदर के दुश्मन से लड़ सके। इसराइल को मुर्दाबाद वही कह सकता है जो इसराइल के हाथ को पाकिस्तान के अंदर काट दे। तू पाकिस्तान की दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता, तू पाकिस्तान में मौजूद दाइश का मुकाबला नहीं कर सकता, तू बाहर वालों का क्या मुकाबला करेगा? सुन नौजवानों, मेरे इस जुमले का साथ देना, साथ देना। सुनो इमरान खान, मैं जानती हूँ आपके नॉलेज में बहुत कुछ होगा। आर्मी चीफ जनाब जनरल बाजवा साहब, आप भी आज हमारी तरफ से अपने कानों को खोल के सुन लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की टॉप आर्मी में से है या नहीं? हमें अपने आर्मी पे फखर है या नहीं? है या नहीं? आर्मी हमारे बाजू है या नहीं? है ना? पाकिस्तान की आर्मी बता, दहशतगर्दों को खत्म करना है या नहीं? हुकूमत बता, दहशतगर्दों का मुकाबला करना है या नहीं? आर्मी, अगर आप इन दहशतगर्दों के खसूसन वो दाइशी जो इराक और शाम से ठोकरें खा के निकले हैं, जनाना लिबास में जो बाकी आए हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बना लिए बैठे हैं, अगर इस दाइश का खात्मा बाजवा साहब आप नहीं कर सकते, वजीर आजम साहब आप नहीं कर सकते, हमें बता दीजिए। हमारा यहाँ बैठना बताता है आपके बस का काम नहीं है। फिर सुन लीजिए, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम कासिम सुलेमानी के मानने वाले हैं, हम सैयद अली खामनाई के मानने वाले हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हम कासिम सुलेमानी के मानने वाले हैं, हम सैयद अली सिस्तानी, सैयद अली खामनाई, सैयद हसन नसरुल्ला के मानने वाले हैं। सुन लो बाजवा साहब, सुन लो इमरान खान, जब शाम में और इराक में दाइशों घुस गई, लोगों को जिरा करना शुरू कर दिया, ऐसी दहशतगर्दी का आगाज किया, शाम की आर्मी के बस का काम नहीं था, इराक की आर्मी का बस का काम नहीं था, आर्मी पीछे चली गई, हुकूमतों ने अपने हाथ उठा लिए। इराक की हुकूमत ने उस जमाने में ओबामा से मदद मांगी, ओबामा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त सैयद अली सिस्तानी उठे, कासिम सुलेमानी खड़े हो गए। सुन लो, मुझे पता है मुझे जुमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। लुबनान में हिजबुल्लाह, यमन में अंसारुल्लाह, इराक में हश्दु शाबी, कासिम सुलेमानी सिपाहे पासदारा, इसी अवामी ताकत के साथ दाइश को पसे पा करके बीवी का रोजा भी बचाया, करबला भी बचाया, वो दाइश जो वहां से निकल गई। आज हुकूमत तू नहीं कर सकता। बता, ये सारे जवान, ये सारी माए, इनके
घर है घर, ये नौकरी पेशा है, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर अगर कोयटा के सारा शहीदों के लिए बैठ सकते हैं तो ये दाइश के खात्मे के लिए हश्दु शाबी का हिस्सा भी बन सकते। पाकिस्तान पाकिस्तान की एजेंसी सुन लो, अभी साल गुजरा है कासिम सुलेमानी के चेहरे पे पूरे पाकिस्तान में जो जुलूस निकला, याद है ना? अगर किसी की मेमोरी से, आर्मी के, हुकूमत की मेमोरी से अगर ये डिलीट हो गया है, एक मरतबा आपने टीवी पे देख लेना, एक मरतबा अपनी मेमोरी रिकॉल कर लो, जितनी आवाम कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद निकली थी, हर जवान हर माँ के अंदर एक जज्बा था, मेरे घर में जितने बच्चे हैं सब कासिम सुलेमानी हैं। बाजवा साहब, हमें मजबूर ना करना हम हिजबुल्ला बन जाएं, हमें मजबूर ना करना हम कहीं हश्दु शाबी बनकर खुदा अगर दाइश का खात्मा करने लगे। बाजवा साहब, इमरान खान हमें हल्का ना लेना, हमारे रगों में करबला है। बेशक बेशक करबला हुसैन की कुर्बानियां, करबला करबला लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। सुनिए, हमारे रगों में करबला का खून है। जनरल बाजवा साहब, आज से कुछ साल पहले इसराइल ने बहुत अहम मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के कहा बताओ ये शिया खत्म क्यों नहीं होते, इसे दीवारों पे चुन दिया, इसे जिबा भी कर दिया, इसे भी कुचल दिया, ये खत्म क्यों नहीं होते। इसराइल के तजिया निगारों ने मिल के कहा, जानते हो उसकी वजह क्या है? इनके पास दो बड़ी ताकतें हैं। वो ताकत क्या है? माजी में करबला है, मुस्तकबिल में ज़हूर है। मुस्तकबिल में ज़हूर, माजी में करबला है। ये कौन क्योंकि इनका हुसैन लेने आता है, जब ये बजते हैं इंतजार करते हैं बारवे के कदमों में सर कटाना है। हमें मौत से न डरा, हम दुआए फातिमा, हम दुआए बनी दुआए फातिमा है। हमारे रगों में जो लहू है वो दुनिया की किसी और कौम के रगों में नहीं है, हमारे अंदर करबला है। और हम अपनी माओं की मदद से, जवानों के जोरे बाजू से, जैसे शाम और इराक में दाइश का खात्मा किया, हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? जवानों, इमरान खान सुन रहे होंगे मुझे, एक मिनट में इस वक्त बाजवा साहब सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुन रहे तो इंशाल्लाह सुनेंगे। लब्बैक या मेहदी कह के बताना, ये जो रास्ता चल रहा है ना, इसका एंड ज़हूर है। इसका एंड क्या है? ये जो हम बैठे हैं ज़हूर के इंतजार में बैठे हैं, और अल्लाह का वादा है, चलने वाले चल जाओ, मिटने वाले मिट जाओ, मरने वाले मर जाओ। अल्लाह का वादा है, पूरी कायनात की हुकूमत। ये धरना
ہے تباہی کا شام جانا تھا انشاءاللہ خاتمہ پاکستان کے خیور جوان اپنے قدموں کے نیچے کچل کر دنیا کو بتا دیں گے اسرائیل